बालघाट सरकार निशुल्क जनाधार कार्ड वितरण का दावा करती है, परंतु धरातल पर कुछ अलग ही नजर आ रहा है। क्षेत्र की ग्राम पंचायत सिंघनिया में कुछ ऐसा ही हो रहा है। ग्रामीण पप्पू जाटव, साबुती मीना देवी, चंद्रा देवी जाटव आदि ने बताया कि पंचायत में इस समय जनाधार वितरण ई मित्र संचालक नाहर सिंह मीणा द्वारा किया जा रहा है, परंतु वितरण में गंभीर लापरवाही बरती जा रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि ई मित्र संचालक प्रति कार्ड 10 रुपये वसूल रहा है, जबकि सरकार निःशुल्क वितरण का दावा करती है। वहीं ई मित्र वाला पंचायत मुख्यालय पर वितरण नहीं कर रहा है, जिससे 4 किलोमीटर दूर लोगों को जाना पड़ रहा है। ग्रामीण महिला ने बताया कि ई मित्र संचालक द्वारा महिला सदस्यों को ही जनाधार कार्ड दिया जा रहा है। महिला ने यह भी बताया कि पुरुष कार्ड लेने जाते हैं तो मना कर देता है, जो कि सरासर गलत है। वहीं ग्रामीण पप्पू जाटव ने बताया कि उसकी मां जनाधार कार्ड लेने गई तो ई मित्र वाले ने अंगूठा लगवाकर 300 रुपये खाते से निकाल लिए। पप्पू जाटव ने बताया कि गुरुवार को उसने कार्रवाई करने की बात कही तो दोबारा पैसे वापस खाते में आ गए। फिलहाल ग्रामीणों ने ई मित्र संचालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। नहीं यहाँ से साहब खेत में से मोह लेकर गए, जब हम जाए अंगूठा लगा जब माँ गए लालपुरा में और हमारे पैसा निकाल लिए, आधार कार्ड में ऊँटा लगवाए मारो, जब ऊँटा लगवाए जब फिर हमारे पैसा निकाल लिए, हमारे पैसा नहीं आए। कितने रुपए निकाले? 300 निकाल लिए। क्या नाम है आपका और आपके साथ क्या हुआ है? मेरा नाम पप्पू है और मैं मेरी माताजी के जनाधार कार्ड लेने के लिए लालारामपुरा गया था। मैं उस टाइम उसने हमारे संग में मतलब आके चीटिंग करी, उसने 2 बार अंगूठा लगवाया, उसके बाद में हमको जनाधार कार्ड दे दिया। जनाधार कार्ड देने के लिए मेरी माताजी बोली कि मुझे पैसे निकलवाने हैं, तो हम बैंक पहुंच गए। बैंक जाने के बाद में हमने 4000 रुपये की पर्ची भरी, वहाँ पर 4000 पर्ची भरने के बाद में उसने मैनेजर ने बोला कि इसमें 4000 रुपये नहीं है।